जय श्री कृष्ण न्यूज फॉर काठियावाड़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हिना ऊझा, मुंबई से इंटरनेशनल रेस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर, एसोसिएशन ऑफ द साइन बिजनेस क्लब। तो आइए, ये वीक का हम मेष मीन राशि का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं रमन शास्त्र के ऊपर से। फर्स्ट देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है, आठवां भाव दिखा रहा है मेष राशियों के लिए। तो कहीं पर डटा हुआ धन या तो मकान मिलकर कुछ न कुछ आपको प्राप्त होने की शक्यता है, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। कहीं पे कुछ थोड़े दुखद समाचार भी आ सकते हैं और ये मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है, इसलिए ये आठवां भाव ये भी दर्शाता है। आठवां भाव कहीं पे थोड़ी गर्मी हो सकती है, नीचे का भाग भी है तो वो ये भी बता सकते हैं। तो थोड़ा आठवां भाव से थोड़ा बचे, पैरों की प्रॉब्लम हो सकती है, ढिचनों के हो सकती है या तो घुटनों के दर्द हो सकते हैं, तो थोड़ा संभालना है। ये वीक के लिए आपको क्या करना है, हो सके तो सरसों तेल की मालिश करनी है कमर से पैरों तक, और हो सके तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपको एक सरसों का तेल एक थाली में भर के लेना, फिर आपकी दो आंखें उसमें दिखनी चाहिए, दिख जाए बाद में आपका पूरा फेस दिख जाए, बाद में आपको क्या करना है, पीपल के झाड़ पे वो तेल चढ़ा देना है, तो उससे पूरी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में जो रहती वो सारी निकल जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका पर्पल कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 13वां भाव दिखा है वृषभ राशियों के लिए। तो 1, 5, 9 भाव से कनेक्टेड हो रहा है, खुद अपने आप को फर्स्ट, अपने आप को सेल्फ खुद आनंदमय व्यतीत करे, जीवन आनंद में रखे, अपने हेल्थ के बारे में सोचे, हेल्थ के बारे में ध्यान रखे। आपको टेंशन हो रही है बच्चों के बारे में, आपके भाग्य खुल रहे हैं कहीं पे, आपको शेयर मार्केट के वो भी हो रहा है शेयर मार्केट में भी, लेकिन ये वीक आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जो भी करे सोच समझ कर आगे बढ़ना है, भाग्य खुल रहे तो कहीं पे आपके फॉरेन की यात्रा भी हो सकती है, दत्तक संतान के बारे में भी सोच रहे हो तो दत्तक संतान भी ले सकते हो, तो कुछ ना कुछ अलग से 50-50% हो सके तो सोच समझ कर आगे बढ़ना है, दो जन के एडवाइस लेके फिर आगे बढ़े। तो लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 3 नंबर और 13 नंबर, हो सके तो सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र के साथ, उससे काफ़ी फायदा होगा। और हो सके तो आपकी घर की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहाँ पर आपको पीली हल्दी की गांठी 11 रखनी है, और हल्दी से थर्सडे के दिन आपको हल्दी से स्नान करना है तो उससे काफी फायदा होगा। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 15वां भाव दिखा रहा है मिथुन राशियों के लिए। तो 3, 7, 11 भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तीसरा भाव से कनेक्टेड, छोटी ट्रैवलिंग हो सकती है पड़ोसियों के साथ या तो कहीं मित्रों के साथ भी, या तो पराक्रम भी दिखा सकते हो। कहीं पे युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, कहीं पे बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हो तो पार्टनरशिप भी कर सकते हो, और मॉडलिंग में आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है। लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, कहीं पे आपको दामाद द्वारा या तो बहू द्वारा या तो मित्र द्वारा या तो बड़े भाई बहनों के द्वारा भी लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन सकते, बिजनेस में भी आप उसको पार्टनरशिप भी बना सकते हो। ये भी आपका लकी नंबर दिखा रहा है, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो आपको क्या करना है, गाय को रोज हरा घास खिलाना है, और आपकी घर की जो नॉर्थ दिशा है वहाँ पे आपको छोटी कांच की कटोरी में लेके मूंग रखना है, साबुत मग रखना है, और हो सके तो वो वीकली चेंज करना है, और पशु पक्षियों को डालना है, वेनेसडे को रखना है, दूसरे वेनेसडे को आपको चेंज करके पशु पक्षियों को डाल देना है, उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी वो पॉजिटिव हो जाएगी। सूर्यदेव का आपकी ईस्ट दिशा है तो वहाँ पर आपको आदित्य हृदय का पाठ करना है बैठे, उससे काफ़ी फायदा होगा, हो सके तो रात को चंद्रदेव के दर्शन करने हैं। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 12वां भाव दिखा रहे कर्क राशियों के लिए। तो कहीं पे बेडरूम के रिनोवेशन के बारे में सोचे, उन्हें कुछ नए फॉरेन की टूर के बारे में सोचे, कहीं पे कुछ खर्चा दिखाए, कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे भी हो सकते हैं, तो ये वीक के लिए थोड़ा आपको संभालना है। अच्छा भी है, थोड़ा मध्यम दिखा रहा है ये वीक के लिए। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और लकी कलर आपको है ऑरेंज और वाइट कलर। हो सके तो रात को चंद्रमा के दर्शन करने, और आपकी जो भी कुल देवी है उसकी कुछ भी मन्नत ले लीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। और हो सके तो गायत्री मंत्र के साथ सूर्यदेव को जल का अर्घ चढ़ाइए, ईस्ट दिशा आपकी एकदम पावरफुल हो जाएगी, सूर्य भी पावरफुल हो सके, तो आपके सूर्य समान जो भी आपके घर में बड़े बड़े लोग उसके भी आप पैर छू सकते तो भी आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 2रा भाव दिखा रहा है, तो कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे, फैमिली के साथ टाइम भी बिता सकते हो, फैमिली के साथ कहीं इंजॉय कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है, लकी कोई आगमन भी हो रहा है या तो फैमिली के अंदर
तो दूसरा भाव से कनेक्टेड हो, राय फैमिली के साथ कहीं पे कुछ छेड़छाड़ भी हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट आपके घर की जो है वहाँ पे दो कपूर और एक दो लौंग रखें वहाँ पे, और हो सके तो वहाँ पे एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक कोकोनट रख दीजिए, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए ये चेंज करना है वाटर, तो उससे काफ़ी, और घर में सारे छिड़काव कर देना है, और दूसरा जल भर के रख देना है, मंडे टू मंडे करना है, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। रात को चंद्रमा के दर्शन करें। लकी नंबर रहेगा आपका 2, नंबर कलर रहेगा व्हाइट कलर। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये भी के लिए क्या कहती है, सातवा भाव दिखा रहा है कन्या राशियों के लिए, तो अंकित दिखा रहा है, तो कहीं पे कुछ ना कुछ नया युवक युवती के शादी के योग बन रहे हैं, कहीं पे बातचीत हो रही है, कहीं पे आप जाहिर जीवन में भी आ सकते हो, नया बिजनेस करने के बारे में सोचे तो पार्टनरशिप कर सकते हो, पार्टनरशिप भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। थोड़ा आपको आगे जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी स्ट्रगल लाइफ हो सकती है, तो थोड़ा आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, हो सके तो आपके घर की जो वेस्ट दिशा है वहाँ पे आपको सरसों का तेल का दिया जलाना है, और 7 बार बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि यह भी ना कर सके तो सैटरडे दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहाँ पर बैठकर आपको हनुमान जी की चालीसा करना है, और वहाँ पर हनुमान जी को तेल चढ़ाइए, तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर। और जो भी कार्य में आपको सक्सेसफुल नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी भगवान को मानते हो या तो हनुमान जी के मंदिर में जाके ध्वजा चढ़ानी है, तो भी आपका कार्य सफल हो जाएगा। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 4th भाव दिखा रहा है, तो कहीं पे नया घर लेने के बारे में सोचे, नई कार लेने के बारे में, या तो कुछ बच्चों के एजुकेशन के बारे में, तो कुछ कुछ नया होने जा रहा है। पिता के साथ कुछ ध्यान भी कर रहे हो, पिता के साथ कुछ नया करने जा रहे हो, तो पिता दिखा रहे हैं यहाँ पे 4th भाव से कनेक्टेड हो रहा है। और लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर। और आपको क्या करना है, हो सके तो आपकी घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है वहाँ पे रात को 2 अगरबत्ती जलानी है, और हो सके तो अगरबत्ती जलाने के बाद जो भी राख बचती है उसका तिलक लगाइए आप, और वो राख भर के रख दीजिए एक डब्बी में, और तिलक रोज लगाए, उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर, लकी कलर रहेगा ब्लू कलर और पर्पल कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 3रा भाव दिखा रहा है वृश्चिक राशियों के लिए, तो 3रा भाव से कहीं पे ट्रैवलिंग हो रही है, छोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ, या तो पराक्रम भी दिखा सकते हो, पड़ोसियों के साथ भी घूमने फिरने जा सकते हो। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका येल्लो कलर। हो सके तो घर की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको घी का दिया जलाना है, और पीली मिठाई धरानी है भगवान को भोग में, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये भी के लिए क्या कहती है, 11वां भाव दिखा है धनु राशियों के लिए, तो कहीं पे लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कहीं पे दामाद द्वारा या तो बहू द्वारा या तो मित्र द्वारा या तो बड़े भाई बहनों के द्वारा भी हो सकता है, कहीं पे आपको शेयर मार्केट में भी अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है, बच्चों के द्वारा भी हो सकता है, तो कुछ ना कुछ पूर्व पुण्य के कर्म के अनुसार भी आप हो सकता है। लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर, और 2 नंबर लकी कलर रहेगा आपका वाइट कलर और रेड कलर, रेडिस एंड ऑरेंज कलर। हो सके तो आपको क्या करना है कि चंद्रमा के दर्शन करने हैं, और आपकी जो कुल देवी है उसकी कुछ भी मन्नत ले लीजिए, आपका कार्य सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सके तो रोज कुल देवी को दर्शन कीजिए, फिर आपके घर के बाहर निकलिए घर के बाहर, तो उससे कार्य सफल हो जाएगा। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये भी के लिए क्या कहती है, मकर राशियों के लिए 10वां भाव दिखा रहा है, तो मकर 10वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो कुछ माता के द्वारा या तो कुछ नया बिजनेस के बारे में सोचे हो, तो नया बिजनेस अपना खुद का भी ओपन कर सकते हो, लेडीज के नाम पे भी बिजनेस कर सकते हो, और हो सके तो उसके नाम पे आगे बढ़िए, साउथ ईस्ट की दिशा की दुकान या तो घर लीजिए, तो भी उससे फायदा हो जाता है, उसके नाम पे धन बिजनेस कीजिए तो भी अच्छा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज और येलो कलर। हो सके तो घर की जो ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको आदित्य हृदय का पाठ या तो सूर्यदेव की प्रार्थना करनी है, सूर्यदेव या तो रांदल माँ के घर के अंदर माता जी का संडे के दिन रांदल माँ को बुलाना है, और उसके 2 लोटा तेड़ना है, तो उससे भी पूजा करवानी है, तो भी काफ़ी परेशानी आपकी घर में दूर हो जाएगी। कहीं पे कई बार होता है कि आप कई मन्नत ली है, मन्नत भूल गए हो, तो मन्नत ले पूरी कीजिए, उससे काम आपका सफलफुल हो जाएगा। हो सके तो सूर्यदेव को जल का अर्घ चढ़ाए गायत्री मंत्र के साथ। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये भी के लिए क्या कहती है, 5वां भाव दिखा रहा है कुंभ राशियों के लिए, तो कहीं पे 5वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है कि कहीं पे
पुण्य है, कहीं पे स्पोर्ट्स द्वारा, कहीं पे कुछ नया होने जा रहा है पूर्व पुण्य आपके कर्म के अनुसार, कहीं पे आप पत्नी द्वारा या तो मित्र द्वारा भी कोई कार्य कर सकते हो, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, कहीं में कुछ नया करने सोच रहे हो तो नया कुछ आगे बढ़िए। और सूर्यदेव हो सके तो सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाए, सूर्यदेव के सामने गायत्री मंत्र का एक माला कीजिए तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर, और आपकी घर की जो नॉर्थ दिशा है वहाँ पे हो सके तो साबुत मग रख दीजिए, एक छोटी सी कांच की कचोरी या तो प्लास्टिक के मग में, वेनसडे चेंज करते रहिए, कुबेर देव को प्रसन्न करते रहिए, आपका कार्य जल्दी सक्सेसफुल होना चालू हो जाएगा। और हो सके तो गाय को रोज हरा घास खिलाइए ताकि काफी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मीन राशियों के लिए ये वीक क्या कहता है। 14वां भाव दिखा रहा है, 14वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है, 2, 6, 10 भाव से कनेक्टेड है, दूसरा भाव से फैमिली द्वारा कुछ न कुछ वाणी या तो संपत्ति द्वारा, 6ठा भाव दिख रहा है कोर्ट कचहरी के मामले, हॉस्पिटल के खर्चे या तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना है, बिना एग्रीमेंट के भी इन्वेस्ट नहीं करना है, या तो चाचा मामा काकी है तो घर की बात है तो इन्वेस्ट नहीं करे तो एग्रीमेंट नहीं करे तो चलेगा, तो ये रॉन्ग है। आपको एग्रीमेंट करना है, नहीं तो पैसा रिटर्न आने की शक्यता बहुत ही कम दिखा रही है। हो सके तो आपको थोड़ा ये भी तो आप रुक जाइए तो काम अच्छा रहेगा, थोड़ा शांति बनाए रखें। और 10वां भाव से कनेक्टेड आप खुद का बिजनेस कीजिए और आगे बढ़िए तो उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा, और खुद पार्टनरशिप न करते हुए खुद के नाम पे ही चालू कीजिए तो उससे भी काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। या लेडीज़ के नाम पे कोई बिजनेस भी कर सकते हो, माता द्वारा भी, माता के नाम पे भी बिजनेस कर सकते हो तो उससे भी आपको काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। हो सके तो गाय को हरा घास खिलाइए, सूर्यदेव को जल का अर्घ चढ़ाइए, या तो सूर्यदेव के पहले आप उठ जाइए और फिर गायत्री माला की एक माला कीजिए तो भी आपको उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और आपकी घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है वहाँ पे आपको एक कपूर और एक लौंग जलाना है, और एक कांच की कटोरी लेके वहाँ पे 11 इलायची, 11 लौंग, 11 ब्लैक पेपर और 11 तमालपत्र, 11 तजपत्र एक कांच की कटोरी या तो प्लास्टिक की डब्बी में भरकर रखना है, उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जहाँ भी आप अटके हो वहाँ पे सक्सेसफुल मिलना चालू हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। लकी कलर रहेगा ऑरेंज, ब्लू, पर्पल कलर और ग्रीन कलर। तो ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से। मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। थैंक यू वेरी मच।